ठीक हर चीज दुनिया की ठीक हो सकती है ये तो फिर भी सिर्फ ऑडियो ही है अब आ रही है आवाज अब हो गया ठीक आज पहला दिन है थोड़ा सेटअप में दिक्कत है बट हो गया ठीक मेरे ख्याल से अब अब एक बार सभी लोग कंफर्म कर दें कि ऑडियो हो गया सही बिल्कुल और कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आप ठीक हो गया ऑडियो चेक करो यार एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो कि ऑडियो एकदम सही हो गया मस्त हो गया एकदम पहले दिन की तो यार गलतियां माफ करनी पड़ती हैं यार, यार पहला ही गुना है माय है, लॉर्ड कंफर्म करो सभी लोग कमेंट में कि हाँ सर एकदम बढ़िया आ गया मस्ती आ गई सर बिल्कुल चालू करो सर आप तो करंट अफेयर सर बिल्कुल अब देरी मत करो सर बिल्कुल चलो अब यहां से अपन शुरू करते हैं क्लास आज की मत नमस्कार दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर के हमारे आज के सेशन में आज है फोर्टीन इंपॉर्टेंट न्यूज करंट अफेयर और इनपुट और एडिटोरियल जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल होगा खासतौर पर सिविल सर्विस एक्सपायरेंट्स मैनेजमेंट एक्सपायरेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल तो एंजॉय करें इस सेशन को ये सारे सेशन लाइव ही कंडक्ट होंगे तो आप लाइव चैट में जो है अच्छे से पार्टिसिपेशन रखिएगा मैं लाइव चैट की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव ध्यान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि पढ़ाने में ध्यान रहेगा तो आप लोग जरा आपस में ही मुद्दे सुलझा देना भैया करते जाइएगा करके दिखाएंगे कमेंट थ्रेड में लिख दो करके दिखाएंगे तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भैया देश के भविष्य के साथ बात कर रहा हूं है अगर लोगों को जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें बतानी हो तो टीचरों को बहुत जरूरी बात बोलनी पड़ती में आता है फिर लोग बराबर सुनते हैं एकदम उनको बोलो ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है एग्जाम में नहीं आएगा तो लोग बोलते हैं अरे छोड़ो ना जान ऑडियो फिर से चला गया ऐसा बोल रहे तो आज थोड़ा सा मेरे साथ आप थोड़ा एडजस्ट करें मैं भी ठीक कर दूंगा सब दो मिनट में सब ठीक हो जाएगा माफी चाहता हूं बस इसके एक एलिमेंट को ठीक करना रहेगा ये आ जाएगा ऑडियो आ जाएगा ऑडियो डोंट वरी हाँ, ये मैं फुल स्क्रीन करके दिखाना चाहता हूं उस पर मेरा ये ऑडियो आज पता नहीं यूट्यूब के साथ क्या गड़बड़ हो रही है पहले दिन के प्रॉब्लम में कर रहा हूँ रिजोल्व कर ही रहा हूँ है ना बस एक मिनट बेटा एक मिनट हो रहा है हो रहा है ठीक है ना एक मिनट और शांति से बैठे हो पहले दिन यार पांच दस मिनट ऊपर नीचे होगा <laughs> हेलो मेरे ख्याल से आप ठीक है अब ठीक है ऑडियो तो हमने चलती क्लास में सारी टेक्निकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी इंजीनियर होने का एक छोटा सा फायदा ये होता है यार कि इंजीनियर है ना नेवर सेस जाए वाला आदमी होता है आज में जितने भी इंजीनियर बैठे तुम सबको मेरी बधाई बधाई तुम सब भी मेरे ही जैसे लल्लू हो कि जो टेक्निकल चीजों में लग जाते हो लेकिन लड़ते लड़ते बाहर आ जाता है। तो उससे कुछ नहीं होता यार समस्याएं आती रहेंगी समस्याएं जाती रहेंगी सभी लोग कंफर्म करो कि हाँ परफेक्टली फाइन है सर ऑडियो एकदम मस्त हो गया है और अब तो पूरी आग लगा दो आप बिल्कुल मतलब जो है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब कोई इश्यू नहीं है ये हो गई ना सही बात अब हर सेटअप के ऊपर सारा ऑडियो बराबर आ रहा है पहली क्लास है भैया तो प्यारे दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट हम पंद्रह चीजें आपके साथ कवर करेंगे मजा आ जाएगा आपको लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 22 टू ये कहती है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ मैमल्स बर्ड्स एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड फिश ये जो पांच बड़ी कैटेगरीज हैं ये पिछले 50 साल में 16.9 परसेंट तक डिक्लाइन हो गई है अब अगर ये डिक्लाइन का रेट इसी तरह चलता रहा सो दिस इज वॉट दे कॉल द मैसिव डिग्रेडेशन ऑफ नेचर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा पब्लिश की जाती है और अलग अलग रीजन्स में आपको विशेषकर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 94 परसेंट का डिक्लाइन दिख रहा है अगर हम इस रिपोर्ट को सही माने और इस रिपोर्ट को गलत मानने का कोई कारण नहीं है इसका सिर्फ एक मीनिंग है और वो मीनिंग ये है दैट वी आर लुकिंग एट अ कैटेस्ट्रोफिक डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड विश्व की जैव विविधता में बहुत क्रांतिकारी रूप से नेगेटिव बोल रहा हूं गिरावट आई है और फिर इसके सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत भयानक होंगे तो मुझे आप जरा लाइव चैट में सब बता दो बायोडाइवर्सिटी इन जैव विविधता की परिभाषा क्या है अगर इस रेट पर पिछले पचास साल में ह्यूमन बींग्स के द्वारा अब देखिए ये सब जो है ये बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक ही है आपने और मैंने ही किया ये। प्रकृति में तो इतना विनाश केवल मास एक्सटिंक्शन के समय होता है और ये कोई मास एक्सटिंक्शन का पीरियड तो चल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि बहुत क्लियरली ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो हो रहा है विच इज द लीनियर ग्रोथ मॉडल वो प्रॉब्लमेटिक है और हमें कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा तो इस तरह का करंट अफेयर का न्यूज सामने आता है तो किसी भी एग्जाम एस्पायरेंट को बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए सबसे पहली चीज बायोडाइवर्सिवर्सिटी की परिभाषा क्या है लीनियर इकोनॉमी का मॉडल क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के क्या क्या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के क्या क्या रोल्स हैं उसके अलावा कौन से देश बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन को लेके सीरियस है और कौन से नहीं अब मैं अगर अपने देश की बात करूं भारत की तो हमारे यहां बायोडाइवर्सिटी का सबसे खूबसूरत उदाहरण है वेस्टर्न घाट गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु केरल कंटिन्यूस चलते हैं और वहां इतना भयानक डिग्रेडेशन हुआ है बायोडाइवर्सिटी का एंडेमिक स्पीसीज का प्लांट्स का एनिमल्स का दोनों का डिस्पाइट मल्टीपल रिपोर्ट तो हम खुद भी उसमें अपराधी हैं तो ये कंटिन्यूस चल रहा है दुनिया में चल रहा है और इसकी सजा हम सबको मिलेगी क्योंकि नेचर का बैलेंस टूटता चला जा रहा है आपको बात समझ में आ गई सो दिस इज हाउ द होल थिंग इज और आपको और हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यह प्रॉब्लम जो चल रही है बायोडाइवर्सिटी की हमारा इकोनॉमी का मॉडल हम इस तरह से परिवर्तित करें कि यह समस्या अल्टीमेटली सुलझ जाए अगला हमारा आज का करंट अफेयर अपडेट है डी वाई चंद्रचूड जिनके पिताजी भी भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं पहले भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे डी वाई चंद्रचूड वर्तमान चीफ जस्टिस यू यू ललित के रिटायर होने के ठीक 30 दिन पहले लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है हमारे भारत के लॉ मिनिस्टर कौन है नाम बता दीजिए वर्तमान चीफ जस्टिस को एक रिक्वेस्ट जाती है कि आप क्या चाहते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के तो धर्म जय के अगले चीफ जस्टिस कौन होने चाहिए तो वर्तमान चीफ जस्टिस एक नाम रेकमेंड करते हैं सबसे सीनियर जज का यह एक ट्रेडिशन है वो नहीं भी करें तो वो किसी दूसरे का नाम भी दे सकते हैं उस पर जो सीनियर मोस्ट है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा कर पाएंगी तो उन्होंने नाम डीवाई चंद्रचूड़ का दिया है तो अब ये कंफर्म है कि डीवाई चंद्रचूड ही भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे और चंद्रचूड़ साहब को बहुत क्लियरली अपनी लिबरल वैल्यूज के लिए जाना जाता है चंद्रचूड़ साहब साफ बोल चुके हैं सनलाइट इज द बेस्ट डिस इंफेक्टेड इसका मतलब यह है कि खुलापन होना चाहिए डिसेंट होना चाहिए और डिसेंट हमारे पार्ट थ्री में प्रोटेक्टेड है इसलिए कई लोग उनसे घबराते भी हैं उनको गंदी गंदी गालियां भी बकते हैं लेकिन डी वाई चंद्रचूर साहब एकदम क्लियर है अबाउट द लिबरल वैल्यू दैट ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तब वो क्या करेंगे वो हम दो सालों में देखें और ये हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस की कहानी है समझ में आ गया तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रेडिशन बना हुआ था वो चलता चला आ रहा है यहां पर जो एक मैटर ऑफ कंसर्न आता है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज आ जाती है उसके बहुत पहले वो बनते हैं मतलब बहुत निकट तो उनके वर्किंग डेज कम हो जाते हैं तो ये कंसर्न है कि एक मिनिमम टेन्यूर फिक्स किया जाए ये किया जाए वो किया जाए एक्सेट्रा इसके ऊपर सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया बीच में यह खबर भी आई थी कि चीफ जस्टिस की या जजेस की रिटायरमेंट एज को दो दो साल बढ़ा दिया जाएगा लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वही चलेगा तो अभी ये दो साल रहने वाले हैं इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे कॉलेजियम से जो पांच जजेस का होता है सीजीआई प्लस नेक्स्ट फोर सारे जजेस का भारत में अपॉइंटमेंट होता है हायर जुडिशियरी में कॉलेजियम के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं कि ये सिस्टम ही गलत है क्योंकि ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी नहीं है जुडिशियरी ने खुद किया और इसमें रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल खराब है केवल सवर्णों का ही रिप्रेजेंटेशन है अपर कास्ट का और बाकी ओबीसी ट्राइबल दलित महादलित ये पांच दस पंद्रह परसेंट ही बन पाते हैं तो इन सबके बीच में ये चीजें हो रही है आने वाला समय हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा एज अ रिपब्लिक वो हम देखेंगे समझ में आ गया सो दिस इज हाउ अवर सेकेंड अपडेट इज और बोलने के लिए बहुत कुछ है ये कवर करेंगे समय के साथ तीसरा बड़ा अपडेट जो हमारे लिए है वो है इन्फ्लेशन सारी दुनिया में इन्फ्लेशन के मॉन्स्टर ने अपना सिर उठा रखा है तो भारत में भी हम इससे बच के भाग तो सकते नहीं है लेकिन भारत उन पांच छह ऐसे देशों में है बड़ी इकोनॉमी वाले छोटी इकोनॉमी को हम लेते नहीं क्योंकि वो डिस, व्यू आता है। बड़ी में पांच छह इकोनॉमीज में ऐसा है जहां भारत की इकोनॉमी के मैक्रो फंडामेंटल्स अभी ठीक दिखाई दे रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी जो है अगर आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देना पड़ रहा है तो वहां से आप स्ट्रेस का अंदाजा लगा सकते हैं अभी हाल ही में सरकार ने सातवें फेज का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना को आगे बढ़ाया है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दो तो साढ़े तीन से चार लाख करोड़ रुपए अभी तक पिछले तीन साल में खर्च हुए हैं कोविड और कोविड के बाद भारत में गरीबों को जिंदा रखने वाली दो स्कीमें रही पहली स्कीम रही है मनरेगा और दूसरी स्कीम रही है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो गरीबों के लिए होती है ग्रामों में शहरों में नहीं है स्टेट लेवल पर यह स्कीम बनती है सेंटर पर मनरेगा कानून है स्टेट लेवल पर मनरे होता है और दूसरी जो है वो आप हमें बताइए पहली स्कीम तो यह हो गई मनरेगा और दूसरी है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसके तहत उन्हीं बेनिफिशरीज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना अस्सी करोड़ लोगों को एक्स्ट्रा फ्री भोजन दिया जा रहा है तो ये भारत में इन्फ्लेशन का एक अपडेट है हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये दोनों ही चीजों का बढ़ जाना इस, इसके ऊपर डिटेल में हम अलग से पढ़ाएंगे लेकिन मोटे तौर पर चार पांच चीजें आपको बता देता हूं जितना दुनिया में अभी इन्फ्लेशन आया हुआ है अमीर विश्व की बात कर रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार भी वही लोग हैं बिल्कुल सरल भाषा में कुछ सेकंड में समझा देता हूं 2007 हजार में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका में अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी आई क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ नोट्स की प्रिंटिंग हुई मनी को पुश किया गया लिक्विडिटी बढ़ाई गई बेल आउट किए गए उसके बाद के 10 से 12 साल सब कुछ एकदम लो इन्फ्लेशन लो ग्रोथ का मॉडल चलता रहा और सभी लोग सोचते रहे इन्फ्लेशन हो क्यों नहीं रहा इन्फ्लेशन हो क्यों नहीं रहा फिर कोविड आ गया तो फिर सरकारों ने भी खूब स्टिमुलस दिया और मॉनेटरी पॉलिसी और अकोमोडेटिव हो गई वो सब मिला जुला पूरा विस्फोट अब हो रहा है और इसलिए यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट को बढ़ाता जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन दबे उसका असर हम सब पर आ रहा है क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो दुनिया भरते कैपिटल अमेरिका भागती है तो इसलिए भारत का रुपया गिरता चला जा रहा है आरबीआई ने सौ अरब डॉलर खर्च कर किसी तरह रुपये को मेंटेन किया हुआ है तो वर्तमान में भारत में भी इन्फ्लेशन हाई है हालांकि जो टॉप टेन टू फिफ्टीन परसेंट भारतीय समाज है उसकी इनकम मेंटेन्ड है उसको इतनी दिक्कत नहीं है और वो स्पेंडिंग पैटर्न में बिल्कुल साफ दिखाई देता है समझ में आ गया आपको याद रखिएगा दोस्तों इसी सीरीज का हमारा अगला लेक्चर कल शाम को पांच लाइव होगा ध्यान रखिएगा तो ये इन्फ्लेशन का एक छोटा सा अपडेट है चौथा अपडेट आज का यह है कि हम जिन चीजों को समझते थे कि 2030 के बाद होंगी वो चीजें हमारे सामने आज अभी इसी वक्त होने लग गई हैं इसमें हमारे लिए खतरा यह हो रहा है कि ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं भारत और ट्रॉपिकल कंट्रीज जितनी भी हैं ये सबसे पहले इसमें फंस रही हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि अपर लैटिट्यूड्स की नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स की रिच कंट्रीज इससे बच जाएंगी हीट वेव 2022 में भारत में जो आई थी फरवरी मार्च अप्रैल में उससे गेहूं की फसल को भयंकर नुकसान हुआ हमें ग्लोबली गेहूं एक्सपोर्ट करके पैसे कमाने का मौका भी हमारे हाथ से जाता रहा बहुत सारे आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी सरकार ने करवाए क्योंकि एक्सपोर्ट कर नहीं सकते थे क्योंकि लोकल फसल खराब हो रही थी तो यहां पे प्राइसेस बढ़ती जा रही थी हीट वेव्स को लेके अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये प्रैक्टिकली हर साल होने वाली है भारत में प्रॉब्लम क्या है भारत में हीट वेव से प्रॉब्लम ये होने वाला है कि हमारा बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा बाहर काम करने वाले लोगों का है जितने भी गिग इकोनॉमी के लोग जो ट्रांसपोर्ट में मतलब अपनी गाड़ी चला के फूड डिलीवरी करते हैं जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जितने सड़क पे काम करने वाले लोग हैं जितने सफाई का काम करने वाले लोग हैं ये तो सड़क पे काम करेंगे ना आपके मेरे जैसे ऑफिस में घर के अंदर बैठ के थोड़ी करेंगे तो जब हीट वेव होगी तो ये लोगों के लिए बाहर काम करना असंभव होगा तो इनकम खत्म हो जाएगी तो सरकार को फिर सपोर्ट करना पड़ेगा जैसे प्रधानमंत्री गरीब अन्य योजना है तो ये हीट वेव से लाइफ की अनसस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाली है भारत के लिए आने वाले दस सालों में यह पॉलिसी मैटर बन जाएगा ध्यान रखिएगा आज का यह जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा क्लास के बाद आप वहां से डाउनलोड कर लेना राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें भारत के नागरिकों को सरकार कैसे काम करती है उसमें अंदर झांकने का एक अधिकार दिया गया था सूचना का अधिकार अपने आप में क्रांतिकारी कानून था जो दरअसल पांच कानूनों में से एक कानून था जब यूपीए की सरकार 2004 में बनी थी तो उन्होंने अगले 10 साल में पांच अधिकार भारत के लोगों को कानून से थे। पहला अधिकार क्या दिया था उन्होंने जो सबसे पहला अधिकार आपको और मुझे भारत के लोगों को दिया था वो था राइट टू इंफॉर्मेशन दूसरा अधिकार दिया था उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ट्राइबल्स को उनके पट्टे परमानेंटली अलॉट करने की बात हुई थी तीसरा अधिकार था राइट टू एजुकेशन जो कानूनी रूप से अब प्राइवेट स्कूलों में गरीबों का एडमिशन मिलना शुरू हो गया था यह काफी सफल भी रहा है ऐसा नहीं है उसके बाद था राइट टू वर्क जिसको हम मनरेगा कहते हैं और फाइनली 2013 में जिसके बाद सरकार गिर गई थी वो था राइट टू फूड यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो ये पांच कानूनी अधिकार आपको और मुझे सरकार ने दिए थे अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन क्रांतिकारी इसलिए माना गया क्योंकि आप किसी भी सरकारी अधिकारी या नेता जो एक पब्लिक पोस्ट पे बैठा है या डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो और उन्हें बताना पड़ेगा तो इससे भ्रष्टाचार पर नकेल गति लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ गई है कि जो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें बड़ी बड़ी पोस्ट पे वैकेंसीज आ गई हैं, जिस वजह से लाखों लाखों आरटीआई की अपीलें और शिकायतें पेंडिंग हो गई हैं, स्टाफ ही नहीं है अलग अलग राज्यों में अगर स्टाफ की ही नियुक्ति नहीं होगी तो आरटीआई की अपील्स का होगा क्या ऐसा करके ये आरोप है कि धीरे धीरे आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी नागरिकों की, हो की ताकत होगी इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट थ्रेड में हमें बताइए किस प्रकार से आरटीआई ने क्या किया है हमें बताइए प्यारे दोस्तों अब अगले स्टेप पर चलते हैं करंट अफेयर अपडेट नंबर सिक्स वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने की प्रतीक्षा तमाल बंधोपाध्याय का यह बड़ा खूबसूरत सा एक आर्टिकल आपके सामने है आपको पता होगा ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में भारत को इंक्लूड करने की बात हो रही है अब आपको यह बड़ा टेक्निकल साउंड करेगा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स इस सब में मुझे क्या करना मेरा मेरा क्या मतलब मुझे कौन सा बॉन्ड मार्केट में ट्रेडर बनना है प्रॉब्लम ये हो गई आजकल कि स्टॉक्स हो बॉन्ड्स हो शेयर्स हो इकोनॉमी के इश्यूज हो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एटलीस्ट बेसिक लेवल का नॉलेज हो तो अच्छा रहता है तो इसको मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ तो दोस्तों आप ये चाहते हो कि दुनिया भर के बड़े बड़े पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट फंड आपके डॉलर भारत में डालें अरबो अरबो डॉलर भारत में लगातार आए खुशी की बात यह है कि भारत में एफ और एफ तो आता ही है क्योंकि अल्टीमेटली तो भारत एक 3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी रियल टर्म्स में नॉमिनल टर्म्स में बनी चुकी है हम यहां पर आज खड़े ही हैं और 140 करोड़ लोगों का देश होते कंजम्शन की स्टोरी तो है ही ना कितने भी दिक्कतें हो इंटरनल इनइलिटी कितनी भी हो मार्केट एज अ मैक्रो तो बड़ा है तो भारत चाहता है कि पैसा आए कुछ ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स होते हैं कि जिसमें अगर आपकी कंट्री आ जाती है तो जो इंटरनेशनल बड़े बड़े फंड होते हैं उनको उनके मैंडेट में लिखा रहता है कि इस इंडेक्स में जो जो देश है वहां पैसा लगाओ तो भारत में अपने आप पैसा आ जाएगा एक बार आप इंडेक्स में आ गए तो इसके कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं आगे कभी आपको बताऊंगा तो भारत यह चाहता है कि हम वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में जुड़ जाएं। आपको बात समझ में आ गया यह पूरी की पूरी बात है प्यारे दोस्तों और इसमें आगे क्या होगा समय के साथ देखेंगे ये हिंदी में आर्टिकल है जरूर पढ़िएगा बढ़िया आर्टिकल है फाइटिंग इन अब खुद आईएमएफ एम मानने लग गया है ये रिपोर्ट वैसे आईएमएफ की नहीं है लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूं ये तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जो इनइक्वालिटी की बहुत अच्छी रिपोर्टें बनाता है ऑक्सफैम और आईएमएफ ये मानने लग गए हैं कि नाइनटीन के बाद वॉशिंगटन कंसेंसस और नियो लिबरल इकोनॉमी में दुनिया में बहुत तरक्की हुई भारत में भी एलपीजी आया एलपीजी का फुल फॉर्म बता दो जो नरसिम्हा राव जी लेकर आए 1991 में भारत में लेकिन उसका जो एक डाउनसाइड आया जिससे आज कोई समझ नहीं पा रहा है कि कैसे निपटे वो है इनिक्वेलिटी असमानता इतनी भयानक बढ़ गई कि, कि अमेरिका जैसे देशों में और पश्चिम में तो यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बन गई और वहां के समाज में में भयंकर संघर्ष हो रहा है अभी भारत क्योंकि हम हमेशा से ही एक सामाजिक रूप से ग्रेडेड हरारकी वाला समाज रहे तो यह चीज कही कहीं ना कहीं जज्ब होती चलेगी लोग इसको एक्सेप्ट करते चले ऐसा ही तो होता है लेकिन अल्टीमेटली लोगों को भूख से मरने नहीं दे सकते इसलिए सरकारों को सरद्यता पूर्वक मनरेगा भी चलाना पड़ता है एन भी चलाना पड़ता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना भी चलानी पड़ती है ये जो लेटेस्ट इंडेक्स आया है परीक्षा में इंडाइसेस बहुत आते हैं कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स मतलब ये ठीक है इनइक्वालिटी आ गई ये ठीक है कि बहुत दिक्कत आ गई ये ठीक है सारी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन क्या सरकारें स्वीकार करती हैं क्या सरकारें मानती हैं कि प्रॉब्लम है और क्या सरकारें इनक्वेलिटी कम करने के लिए कटिबद्ध हैं आपको बात समझ में आई ये इसका इंडेक्स है तो ये बिल्कुल ही नया इंडेक्स आ गया है एग्जाम में पूछा जाएगा इसलिए आप तैयारी करना हमेशा की तरफ स्कैंडिनेविया की ही कोई कंट्री ऊपर होगी इन कंट्रियों को तो बैन कर देना चाहिए यार ये हमेशा टॉप टेन में घुस जाती है नॉर्वे डेनमार्क दो जगह तो और फिनलैंड पता नहीं क्यों यार ये टॉप टेन में हर बार घुस जाती है मतलब इनकी कुछ पॉलिसीज में दम तो है भारत इसमें वन नंबर पे है इसका मतलब यह है कि हमारी जो वर्तमान नीतियां हैं वो इनिक्वालिटी कम करने में बहुत यूजफुल नहीं है प्यारे दोस्तों आप सभी का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा चौदह नवंबर से शुरू होने वाले मेरे पावरपैक कोर्स में यूपीएससी का यह बहुत शानदार हमारा कोर्स है जो आपको ट्वेंटी थ्री की तैयारी कराएगा वन फिफ्टी लेक्चर्स फुल एक्सेस टू पावर ऑफ 10, लाइव डाउट्स क्लियरिंग हिंदी इंग्लिश में टीचिंग और ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज का नाम है पावर पैक चौदह नवंबर से बैच शुरू हो रही है आप आज के आज इसमें एनरोल कर सकते हैं इसकी लिंक भी नीचे कॉमेंट में दी है होप टू सी यू इन द बैच स्टार्टिंग ऑन फोर्टींथ फ्रॉम सेवन पीएम आई है इस बैच में जरूर बढ़िया तैयारी करवाएंगे अगले साल की प्रिलिम्स और मेन्स की आठवां अपडेट हमारा यह है कि दिक्कतें कितनी भी हो भारत के बाजारों ने ग्लोबल मार्केट्स को बीट कर दिया है और यह बिल्कुल सच सच है हम अगर हमारे स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो सेंसेक्स हो जो कि बीएससी का सेंसेक्स है या एनएससी का निफ्टी हो इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आया है कंपेयर टू देयर ग्लोबल पीयर्स ये रीजनेबली अच्छा आया है इसका मतलब यह है कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स उतने कमजोर एटलीस्ट जो टॉप कॉर्पोरेशन है ब्लू चिप्स हैं उनके खराब नहीं हुए इस कंटेक्स में मैं आप बता दू के शेप रिकवरी के बारे में आपने सुना होगा क्या कोई मुझे बता सकता है कि पेंडेमिक के बाद से भारत में के शेप रिकवरी हुई इसके ऊपर काफी बातें हुई तो यह क्या होता है भले ही भारत में के शेप रिकवरी हो रही हो लेकिन हमारे स्टॉक इंडाइसेस इस तरह से टूट के बर्बाद नहीं हो रहे हैं जो दूसरे मार्केट्स में कई जगह दिखाई दिया और यह अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिन है हमारा आज का नाइन्थ अपडेट आपके लिए यह है कि हमारी भारत सरकार को ड्रोन से मोहब्बत हो चुकी है और सरकार सब तरफ अब ड्रोन लगाने जा रही है अच्छी बात है इस सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग होगी इस सेगमेंट में नौकरियां आएंगी याद रखिएगा ये जो ड्रोन्स का धंधा शुरू हुआ है ये अगले दस साल में बहुत बड़ा हो जाएगा और मतलब सड़कों पे ड्रोन दिखना आम बात हो जाएगी उसकी पूरी पॉलिसी भी बन चुकी है आपको बताइए पिछले साल पॉलिसी आ गई थी इसमें अगर आप करियर बनाने का सोच रहे हैं तो इसमें तीन तरह के करियर्स बनेंगे अच्छे से से समझ लेना और फील्ड में में समराइज कर देना कि ड्रोन की में कौन से तीन करियर प्यारे दोस्तों आज का हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि शुरुआत में दस मिनट टेक्निकल इश्यूज में उलझ गए थे वैसे नॉर्मली मेरा यह सेशन पच्चीस मिनट का ही होगा आज की क्लास थोड़ी लंबी जा रही है और कल से जो मैं कल शनिवार को पांच बजे लाइव क्लास आपकी लूंगा करंट अफेयर्स की उसमें मैं उसमेंटली पच्चीस मिनट के अंदर ही खत्म करूंगा तो आज थोड़ा सा हम लंबा लेते हैं ठीक है कवर कर लेते हैं पूरा पूरा पहला होगा होगा मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर वाला धंधा उसमें बहुत सी कंपनी आएंगी दूसरा होगा सॉफ्टवेयर ड्रोन बनाने से कुछ नहीं होता उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाला और तीसरा होगा कंसल्टिंग एंड इंटेलिजेंस ये तीन धंधे खड़े होने वाले अगले दस साल में और लाखों नई नौकरियां आएंगी जैसा आप देख रहे हैं भारत सरकार बोल रही है कि मैं मनरेगा में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखने के लिए ड्रोन यूज करने वाली हूं अब यह अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है इस पे आपका क्या विचार है हमें जरूर बताइए आपको क्या लगता है बताइए चाइना में कोविड का ऐसा पागलपन चल रहा है जो दुनिया में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मन बना के बैठे कि मैं कोविड वायरस को क्रश कर दूंगा और बिना लाखों लोगों को मारे लेकिन कोविड का वायरस उनकी सुन ही नहीं रहा वायरस किसी की नहीं सुनता भले ही वो शी जिनपिंग हो भले ही वो जो बाइडन हो वायरस को किसी की इज्जत नहीं है वायरस तो अपने प्रकृति के नियम पे चलता है तो शी जिनपिंग लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा देते हैं एक केस भी निकला तो ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी इसमें उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट तबाह हो रही है हालांकि अट्ठारह ट्रिलियन की इकोनॉमी बंद नहीं हो जाएगी कल प्रॉब्लम ये है कि अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि क्या हो गया ये लोग बार बार लॉकडाउन क्यों लगा रहे हम लोग तो उसके बाहर आ गए क्योंकि चाइना में एग्जिट वेव आई ही नहीं है अभी तक इंडिया हैजरेडी अंडर गॉन वेव लाखों लाखों लोग मारे गए ऑफिशियली साढ़े पांच से छह लोग अनऑफिशियली आपको पता ही है नंबर उससे कई गुना बड़ा है डब्ल्यू और बाकी के एस्टीमेट पचास साठ सत्तर लाख मौतों की तो आम बात करते हैं सरकार ने उससे इंकार किया सच्चाई खैर सबको पता है चाइना में इतनी मौतें नहीं हुई हैं और वो नहीं चाहते कि इतनी मौतें हों तो वो वायरस क्रश करने निकले हैं और यह होने ही नहीं वाला वो तो एक एग्जिट वे आए बिना यह नाटक कभी खत्म ही नहीं होगा ये बात शी जिनपिंग समझ ही नहीं पा रहे हैं आपकी क्या राय है हमें बताइएगा प्यारे दोस्तों पूरा का पूरा बेंगलोर बाढ़ में डूब गया था क्योंकि बेंगलोर एक ऊंचाई पे स्थित शहर होने के बावजूद सारी वाटर बॉडीज को खत्म करके कंक्रीट डाल के बनाया हुआ शहर है तो जब प्रेसिपिटेशन होता है तो पानी तो अपनी जगह बना लेता है फिर पानी को कोई मतलब नहीं कि तुम करोड़पति का घर हो या क्या पानी सब तरफ तो बेंगलोर के अरबपति ट्रैक्टर में बैठ के घूम रहे थे आप सबने देखा या नहीं देखा बताओ अब हुआ क्या है कि बैंगलोर के लोगों को यह समझ में आ गया है कि भाई गलती हमारी है हमने वॉटर बॉडीज को खा लिया कॉन्क्रीट डाल दिया तो हम ऐसे ही मरेंगे रोहिणी नीलेकणी जो भारत के इंफॉर्मेशन और डेटा डेटाजार की पत्नी है नंदन नीलेकनी जी की जिनके हाथ में पूरा आधार का सिस्टम है और आधार पर पूरी भारत सरकार टिकी हुई आज नीलेकनी को यूपीए की सरकार यूआईडीआई बनाने के लिए चेयरमैन बनाने के लिए 2009 में लाई थी और वहीं से आधार आया था 2014 तक आधार की बुराई करती थी वर्तमान सरकार के बड़े अधिकारी मोदी जी वगैरह की आधार बेकार खत्म करो लेकिन आधार फंडामेंटली ताकतवर चीज है फिर उन्होंने जो आधार तरफ घुसाया वो हमने देखा और आज आधार हमारा आधार बन गया है उसके भी अपने बहुत सारे माइनस प्लसे कभी बाद में बात करेंगे आज वही नंदन नीलेकनी जी की धर्मपत्नी ये स्वीकार करती हैं कि भारत के टॉप वन परसेंट एलिट अमीर लोग जो हैं उन्हें आगे बढ़ के शहरों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उसके बिना बात नहीं बनेगी आपको बात समझ में आ रही है ये बहुत जबरदस्त बात कही है इस एडिटोरियल को पढ़ लेना भारत का दुर्भाग्य है कि हमारा बहुत शानदार द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक समय राष्ट्रीय पक्षी घोषित गोशी होने घोषित होने की रेस में था वो लगभग समाप्त होने वाला है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन रेड लिस्ट पर और ये कभी भी खत्म हो सकता है ये एक बहुत बड़ा बहुत शानदार पक्षी है लेकिन अभी इसके जीवन में जो अलग अलग तरह के, के विंड पावर के सोलर पावर के अलग अलग प्लांट लगे बड़े बड़े रेगिस्तानों में उनकी जो केबल्स वगैरह लटकी हैं ये बड़ा पक्षी इसकी आई साइड कमजोर है तो ये वायरों में टकरा टकरा के मर रहा है और इसके अलावा भी बहुत तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे सवाल बनते हैं ध्यान रखिएगा तो यह हो गया हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आज का मैं आपको एक नॉलेज ऐसे दे रहा हूं शेयर बाय बैक्स पे आपका रीडिंग मटीरियल होगा कोशिश करूंगा हर सेशन में एक दे दू बड़ी 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 कंपनियां घोषित कर रही है आई कंपनियां कि हम हमारे शेयर मार्केट से बाय करेंगे तो वो ऐसा क्यों करती है ये अगर किसी को समझ तो ये ऐसे आप पढ़ लेना शेयर बायबैक्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वैसे आप उस पर कुछ कहना चाहते हो तो कॉमेंट में कहो कुछ एडिटोरियल्स में आपको रिकमेंड कर रहा हूं मैक्रो पॉलिसी फॉर अनसर्टन टाइम दुनिया में बड़े देश अमीर देश जो कर रहे हैं उसका असर हम पे आ रहा है उससे कैसे निपटे ग्लोबल मिडिल मैन नायर और साहू अपने इस लेख में बताते हैं कि फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया व्हाट्सएप हो गया गूगल हो गया हम लोगों की गर्दन इन लोगों के हाथ में आ चुकी है तो अब आगे क्या कोलेजियम की क्या क्या समस्याएं हैं उसके ऊपर यह बहुत खूबसूरत लेख है और यूक्रेन के सामने के ऑप्शन है तो यह चार रिकमेंडेड एडिटोरियल है इनको आप पढ़िएगा आज के सेशन को अब यहीं पे विराम ध्यान देते हैं 14 नवंबर से मेरी आईईएस की अगली बैच पावर पैक शुरू हो रही है लिंक नीचे है पीडीएफ डाउनलोड का लिंक भी आपको कमेंट में मिलेगा पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कैसा लगा आज का सेशन ये बताइए तो ऐसा मैं आपके साथ कोशिश करूंगा हफ्ते में चार से पांच बार तो आई जाऊंगा कल शाम को पांच बजे हम ये सेशन लेके कल का कंफर्मड सेशन सैटरडे शाम को पांच बजे और 25 मिनट का हमारा हर सेशन होगा आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्ट इनपुट्स में आपको दूंगा पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए नमस्कार जय हिंद